हेलो एवरीवन, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म परीक्षा प्लस पर। टीम की ओर से मैं रमन मिश्रा आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, व्याकरण में इस समय हम लोग व्याकरणिक कोटियों को पढ़ रहे थे, जो कि आपके नए सिलेबस के अनुरूप चाहे वह पीईटी होगा या वर्तमान में जितनी भी आपकी 19 से जो यूपी ट्रिपल एससी परीक्षाएं करवा रहा है उसमें व्याकरणिक कोटियों का रोल बढ़ चुका है। यानी अब इनसे जितने भी वो 9 टाइप के आपके सिलेबस में अलग से इंगित करता है और वो जितने भी इसके अलग अलग विभेद बताता है उनके अनुरूप क्या करता है, वह उनके अनुरूप आपसे प्रश्न भी पूछता है। तो 19 का कोई भी आप पेपर उठाएंगे, पक्ष से संबंधित बढ़िया सवाल पूछता है, वृत्त से संबंधित अच्छे सवाल पूछता है, वाची पहचानने को पूछता है। तो वाची तो थोड़ा सा आसान हो जाता है, लेकिन पक्ष और वृत्ति ये पहली बार हमारे सिलेबस में इंक्लूड हुए हैं यूपी ट्रिपल एससी के। तो यहीं से आपका जो पोर्शन पड़ता है व्याकरण का, यह टफ हो जाता है। उन्हीं पर आज हम परिचर्चा करेंगे। हिंदी व्याकरण में क्रिया से संबंधित जो आपकी व्याकरणिक कोटियां हैं, जैसे आपकी जो है ये हो गई, सबसे पहले तो वाची पढ़ेंगे, फिर वृत्ति पढ़ेंगे, फिर पक्ष पढ़ेंगे। काल मैंने पहले ही पढ़ा दिया। तो क्रिया से संबंधित चार आपकी व्याकरणिक कोटियां होती हैं, वह होती है काल, वाच्य, पक्ष और वृत्ति। इन चारों को जानना होता है। संज्ञा से संबंधित आपकी, इससे पहले हमने पढ़ा लिंग जो है और कारक, ये सारी चीजें संज्ञा से संबंधित होती हैं। वचन और पुरुष आपका सर्वनाम से संबंधित है। और क्रिया में ये चीजें आती हैं, विशेषण में चूंकि मैंने उत्तरावस्था, उत्तमावस्था, इन सारी चीजों के बारे में बात कर लिया था, हालांकि उसमें कोई व्याकरणिक कोट में नहीं। और बाकी जो अवस्था है आपका अव्यय, तो व्याकरणिक कोटियों में अव्यय न शामिल होकर के निपात शामिल है। तो निपात बहुत आसान सी चीज है, किसी दिन 2-4 मिनट के लेक्चर में वो भी समझ जाएंगे हम। आज क्रिया से संबंधित मैं आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट पर बात करने जा रहा हूं और इससे सवाल आपको हमेशा मिलेंगे। सबसे पहले तो हम क्रिया के वाच्य को पढ़ेंगे, वाइस क्या होती है क्रिया में, और दूसरा फिर हम पढ़ेंगे कि क्रिया में एस्पेक्ट क्या होते हैं, पक्ष क्या होते हैं, और तीसरा हम पढ़ेंगे क्रिया में मूड क्या है, वृत्ति क्या है। तो पक्ष, वृत्त और वाची, आज तीनों को बहुत विधिवत ढंग से पढ़ना है, इसलिए बहुत कंसंट्रेट होकर मेरी बातों को सुनिएगा, समझिएगा कि किस विभेद में आखिर क्या परिभाषा किसके अनुरूप होती है। दोनों से सवाल पूछा है, एक तो सीधा वाक्य दे देता है उदाहरण की ये बताइए इसमें कौन सा क्रिया का पक्ष है या वृत्ति है, और एक सीधा सीधा पूछ लेता है परिभाषा क्या है। तो दोनों चीजों को आपको जानना है। अभी भी जो लोग लगातार वीडियोस देख रहे हैं, वो अगर अब आपको सारी वीडियोस जो है पसंद आ रही हैं, बेहतर ढंग से आपको लग रहा कोर्स का संचालन है, तो सारे लोग 10+ कोर्स ज्वाइन करिए, जिसमें हर एक जो है कक्षाएं जो यहां पर टीम के द्वारा संचालित की जाती हैं, आपको डेली बेसिस पर दी जाती हैं, सभी की आपको गुणवत्तापूर्ण नोट्स और सभी पर आधारित क्विज डेली बेस पर मिलते रहे, ताकि आपकी तैयारी हर दिन एक जो है सही दिशा में, सही दशा में चलती रहे, ठीक है, जो कि सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। तो आगे बढ़ते हैं आज इसी में। अगर आपको जो है इसके अलावा 10+ कोर्स के अलावा कोई भी आपका मित्रगण है या आप स्वयं है, ईपीएफओ है, पीसीएस प्री है या बीओ की परीक्षा है, इन सभी के लिए क्रैश कोर्स ज्वाइन करना है, यानी जिसमें आपको पूरे संपूर्ण नोट्स एक बेहतरीन और साथ ही साथ टेस्ट सीरीज ये सब कुछ मिल जाएगी, तो क्रैश कोर्स भी ऐप से आप डायरेक्ट परचेज कर सकते हैं। ये आपके जो मित्रगण हैं उनको बताइए जरूर कि परीक्षा प्लस टेस्ट सीरीज चला रही है, सभी के फ्री डेमो टेस्ट लगे हुए हैं, आप दे लीजिए, आपको लगे कि हाँ एक गुणवत्तापूर्ण आपके सामने पेपर मिल रहा है, फिर आप उस अनुरूप जो है आगे कदम बढ़ाइए। आगे बढ़ते हैं। आज जो हमें पढ़ना है बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, मैंने पहले ही आपको समझा दिया है, तो तीन बिंदुओं पर मैं आपसे आज बात करूंगा, और तीनों जो आपकी संबंधित हैं वह संबंधित किससे हैं, क्रिया से। तो क्रिया से संबंधित आज का जो आपका पॉइंट होगा, क्रिया से संबंधित व्याकरणिक कोटियां, आप ऐसा भी इसको जो है हेडिंग डाल सकते हैं, क्रिया से संबंधित व्याकरणिक कोटियां, यानी क्रिया के अंतर्गत किन किन व्याकरणिक कोटियों का हम अध्ययन करेंगे, इन्हीं पर आज हमें परिचर्चा करनी है, ठीक है। तो क्रिया से संबंधित व्याकरणिक कोटि में चार हमें पढ़ने पड़ते हैं। पहला तो होता है आपका वाच्य, ठीक है, वाच्य को अंग्रेजी व्याकरण में भी आपने पढ़ा होगा, इसको वहां पर आप बोलते हैं वाइस। दूसरा जो होता है जिसको यहां पर हमें पढ़ना है वह होता है पक्ष, पक्ष में इसको भी आपने इससे पहले, वैसे ये चूंकि व्याकरण में था नहीं तो
तो आपने हो सकता है इसको ना पढ़ा हो। तीसरा जो इसका विभेद बनता है वह कहलाती है वृत्ति, यानी क्रिया का मूड क्या है इसको हमें पढ़ना है। और चौथा जो क्रिया से संबंधित व्याकरण कोटि होती है वह होती है आपकी क्रिया में लगने वाला समय, जिसको आप काल कहते हैं, तो काल को मैंने आपको पढ़ा दिया है। ठीक है, आज तीन पॉइंट यानी वाच्य क्या है, पक्ष क्या है और वृत्ति क्या है, इन तीनों पर हमें परिचर्चा करनी है बहुत विधिवत ढंग से। ठीक है, बहुत कंसंट्रेट होकर इन बातों को सुनिएगा क्योंकि इससे प्रश्न आपको सीधे सीधे मिलेंगे भैया। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं वाइस पर। वाइस यानी हिंदी में, जो हिंदी व्याकरण में इसको सम्मिलित किया गया है, इसको कहते हैं वाच्य। वाच्य देखिए क्रिया का एक ऐसा पक्ष है, मतलब क्रिया में वाच्य का जो संदर्भ है वह संदर्भ इस अनुरूप है कि किसी भी बात को जब आप कहते हैं तो उसमें कई अलग अलग जो है पक्ष में वो मतलब संदर्भ में होते हैं। कैसे, एक तो कहने वाला हो गया या दूसरी चीजें सुनने वाला हो गया। यहां पर जो चीजें आएंगी ठीक उसका तो रिलेशन बहरहाल जो है सर्वनाम से हो जाता, लेकिन यहां पर जो क्रिया में यह संबंध मिलता है, क्रिया में वाच्य का जो अर्थ लेते हैं वह अर्थ ये कहता है कि किसी भी क्रिया में किस चीज की प्रधानता है। ठीक है, यानी वाक्य में जो प्रधानता होती है उसके आधार पर वाच्य तय होते हैं। वाक्य में किसकी प्रधानता है, अब आप कहोगे कि ये किसकी प्रधानता, हम क्या चीजें यहां महत्व के तौर पर देखेंगे, तो वाक्य अगर कोई होगा तो उस वाक्य में आपको यह पता चलेगा कि इस वाक्य में कर्ता पर ज्यादा फोकस है, पूरा वाक्य मुख्य रोल में जो है कर्ता है। दूसरा आपको पता चलेगा कि इस वाक्य में कर्म का रोल जो है महत्वपूर्ण है, सबसे ज्यादा जो है यहां कर्म ही इस पूरे वाक्य में क्या है, प्रधान है। और तीसरा आपको पता चलेगा कि इस वाक्य में जो बातें कही गई वह भावानुसार है, भाव के अनुसार है। ठीक है, तो वाक्य में जिस अनुरूप आपको अर्थ मिलता है उस अनुरूप उस वाक्य में वाच्य होते हैं। ठीक है, अगर उसमें क्रिया कर्ता के अनुसार है, क्रिया कर्म के अनुसार है या क्रिया भाव के अनुसार है, जिस अनुसार क्रिया अनुसरण करेगी वह वाक्य उसी वाच्य के अंतर्गत आएगा। समझ गए, यानी हमें किसी वाक्य में देखना है कि क्रिया किस को अनुसरण कर रही है। कैसे, अगर क्रिया ने कर्ता को अनुसरण किया तो वह कर्तव्यवाच्य के अंतर्गत होगा, और अगर क्रिया ने कर्म का अनुसरण किया तो वह कर्मणवाच्य के अंतर्गत होगा, और अगर क्रिया ने भाववाच्य का अनुसरण किया तो वह भाववाच्य होगा। ठीक है, यानी तीनों चीजें बहुत ही आसान भाषा में कहा जाए तो जो अर्थ क्रिया के अनुसरण में लिया जाता वही अर्थ हमारे यहां आपके समक्ष जो वाक्य लिखे होंगे वह उत्तर के तौर पर होंगे। तो अब हम इन पर विधिवत पर चर्चा करते हैं कि कर्ता और कर्म और भाव यानी कर्तरी कर्मणी और भाव वाच्यों में क्या क्या भिन्नताएं होती हैं, इनके उदाहरण कैसे कैसे हैं, बहुत ढंग से समझिएगा, विधिवत समझिएगा। यहां पर जैसा मैंने आपको बताया अभी कि वाच्य जो है क्रिया के उस रूपांतर परिवर्तन को बोलते हैं जिससे जाना जाता कि वाक्य में कर्ता के विषय में विधान किया गया या कर्म के विषय में या फिर भाव के विषय में। यानी क्रिया के अनुसरण को मैंने बताया कि वहां जब क्रिया जिस बात को अनुसरण करेगी वही चीज आपका जवाब होगा। अगर यह जो परिभाषा है, यह परिभाषा दी गई है जो है पंडित कामता प्रसाद जी के द्वारा, जो बहुत बड़े वैयाकरण माने जाते हैं, उनके द्वारा यह परिभाषा दी गई है। अधिकांश भाषाओं की बात करें तो दो ही वाच्य मिलते हैं जितनी आपकी भाषाएं चलती हैं, लेकिन हिंदी एक आपकी ऐसी भाषा है जिनमें वाच्य के तीन विभेद बताए जाते हैं। ठीक है, संस्कृत में दो वाच्य मिलेंगे, लैटिन में भी दो वाच्य मिलते हैं, भाव वाच्य बहुत कम भाषाओं में देखने को मिलते हैं, और उसमें हिंदी जो आपकी भाषा है इसमें भाववाच्य आपको देखने को मिलेगा। कुछ भाषाओं में वाच्य को रूप की दृष्टि से विश्लेषित किया गया है तो कुछ भाषाओं में अर्थ की दृष्टि, यानी दो तरीके से वाच्य का विश्लेषण होता है, पहला होता है अर्थ की दृष्टि से और दूसरा जो बनता है वह किसके, वह बनता है आपका वाच्य को रूप की दृष्टि से। ठीक है, मतलब वहां वाक्य के रूप को देखते हैं और कहीं कहीं वाक्य के अर्थ को देखते हैं, दोनों को हमें ध्यान रखना। जैसे उदाहरण बहुत एक सामान्य सा लिखा है, उसको जब आप
ध्यान करोगे तो चीजें समझ में आएंगी कि ऊपर जो बातें कही गई कि रूप और अर्थ इनमें परिवर्तन कैसे समझोगे। देखिए साधारण सा वाक्य लिखा है कि मां बच्चे से प्यार करती है। अब यहां पर आप समझिए इस बात को, वाक्य क्या कह रहा, मां बच्चे से प्यार करती है। यहां जो वाक्य लिखा है रूप की दृष्टि से भाववाचक है कि नहीं है। मां बच्चे से प्यार करती है, प्यार करती है, भाव एक स्पष्ट झलकता है रूप की दृष्टि से जिस अनुसार आपको दिखाई पड़ रहा, लेकिन अगर अर्थ की दृष्टि से देखोगे तो करने वाली मां है, यानी यहां कर्ता सब कुछ है, तो अर्थ की दृष्टि से यह कृतवाच्य हुआ और भाव की दृष्टि से अगर रूप की दृष्टि से देखोगे तो यह भाववाच्य हुआ। तो हर एक भाषा में, विभिन्न भाषाओं में दो तरीके से वाच्य लिया जाता है। उम्मीद है आपको यह स्पष्ट हुआ होगा। जब कर्ता के अनुसार क्रिया रूप ग्रहण करती है, जब कर्ता के अनुसार क्रिया रूप ग्रहण करेगी तब हमेशा ध्यान रखना कृतवाच्य, और जब कर्म के अनुसार क्रिया होती है तब जो बनेगा वह कर्मवाच्य होगा। कर्मवाच्य हमेशा सकर्मक क्रियाओं द्वारा संभव है, हमेशा इस बात को ध्यान रखना। कर्मवाच्य केवल सकर्मक क्रियाओं के द्वारा संभव होगा, और भाव जो वाचक होगा यह अकर्मक क्रियाओं के द्वारा आएगा, अकर्मक जिनमें कर्म का कोई योगदान नहीं होता है। आगे बढ़ते हैं। अगर पंडित कामता प्रसाद गुरु के द्वारा देखें तो इन्होंने वाची एवं प्रयोग को अलग अलग रूपों में परिभाषित किया है। वाची को अलग बताया, प्रयोग को अलग बताया, कैसे समझो। इनके अनुसार वाक्य के कर्ता एवं कर्म के पुरुष लिंग और वचन के अनुसार क्रिया का जो अन्वय होता है उसे प्रयोग कहते हैं। ठीक, यह प्रयोग की परिभाषा को अलग दर्शाते हैं। आगे बढ़ते हैं। इन्हीं में एक पॉइंट यह ध्यान रखिएगा कि कर्ता के लिंग वचन और पुरुष के अनुसार जिस क्रिया का रूपांतर होता उस क्रिया को कर्तरी प्रयोग कहते हैं। मतलब अगर कर्तरी प्रयोग की बात की जाएगी कि कहां पर वाक्य में कर्तरी प्रयोग हुआ, कहां कर्मण प्रयोग हुआ, कहां भाव प्रयोग हुआ, तो उसमें इस चीज को ध्यान रखिए कि कर्ता में लिंग देखेंगे, वचन देखेंगे और पुरुष देखेंगे। अगर इसके अनुरूप क्रिया परिवर्तित हो गई तो वहां पर वह कर्तरी प्रयोग होगा। जैसे मैं चलता हूं, अब मैं के अनुरूप क्रिया आई चलता हूं, ठीक है। वह जाती है, यहां पर जो परिवर्तन आपको देखने को मिल रहा यह लिंग वचन और कारक के अनुसार चल रहा है। दूसरा पॉइंट यह कहता है कि जिस क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कर्म के ठीक है अनुसार होते उसे कर्मण प्रयोग कहते हैं। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तकें पढ़ी गई, रानी ने पत्र लिखा। अब यहां पर पुस्तक, पुस्तकें और रानी, इनके अनुरूप क्रिया में परिवर्तन स्पष्ट है, झलक रहा। मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तकें पढ़ी गई, अब यहां कर्म के अनुसार ही आपकी क्रिया में परिवर्तन आपको स्पष्ट मिल रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। तीसरा बिंदु यह कहता है कि जिस क्रिया के पुरुष लिंग और वचन कर्ता व कर्म के अनुसार नहीं होते, अर्थात जो सदा किस अनुरूप, ना तो उसमें क्या चल रहा कर्ता का कोई प्रयोग है, ना कर्म का कोई उस पर जो है प्रयोग है, जो अन्य पुरुष पुल्लिंग एक वचन में रहते हैं उसे भावे प्रयोग कहते हैं। तो प्रयोग के भी तीन विभेद होते, एक कर्तरी, दूसरा कर्मणी, तीसरा भावे। ठीक, यह प्रयोग के विभेद पर होते। आगे बढ़ते हैं। जैसे प्रयोग में जो उदाहरण है, रानी ने सहेलियों को बुलाया, मुझसे चला नहीं जाता, यहां अन्य पुरुष पुल्लिंग की सारी चीजें आपको मिलेंगी। ठीक है, इस चीज को याद रखना है। अब आपको यह समझ में आ गया होगा कि वाच्य व प्रयोग अलग अलग रूपों में दृष्टिगत होते हैं। कहीं कृतवाच्य भावे प्रयोग में, कहीं पर कृतवाच्य कर्मण प्रयोग में। यहां प्रयोग पर मत जाना, यहां हमें वाच्य को समझना है, बस मैंने दोनों में विभेद आपको बताया है। ठीक है, और कहीं पर कर्मवाच्य कर्तर प्रयोग में आता है। जैसे श्याम पेड़ काट रहा है, अब श्याम क्या कर रहा है, पेड़ को काट रहा, श्याम ने पेड़ काटा, कर्मणी में बदल गया। ठीक, उसने पेड़ को काटा, अब यहां पर क्या हो गया, भावे भी प्रयुक्त हो गया। तो हमेशा ध्यान रखिएगा वाच्य प्रयोग के अनुसार किसी में हो सकता, लेकिन वाच्य के अनुसार वह दूसरे में होगा।
इसीलिए आपको वाच्य को समझना है। जितने उदाहरण यहां दिए गए ये कृतवाच्य यानी कर्तर प्रयोग जो है, कृतवाच्य, दूसरा कर्मण प्रयोग इसमें जो आया कर्म के अनुसार, और तीसरा कृतवाच्य जो मिला वह भावे प्रयोग के उदाहरण है। ठीक, तीनों कृतवाच्य हैं, वाच्य में तीनों कृतवाच्य हैं, लेकिन प्रयोग में जाओगे तो पहला जो है यह कर्तर प्रयोग का है, ठीक है, यानी कर्ता के अनुसार प्रयोग है। दूसरा प्रयोग कर्मण प्रयोग का है, पेड़, उस श्याम ने पेड़ काटा, यहां प्रयोग कर्मण क्या है, कर्म के आधार पर प्रयोग है। और तीसरे में भाव है, उसने पेड़ को काटा, तो प्रयोग इसमें भावे है, लेकिन जो वाच्य है वाच्य कर्तरी है, इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला जो है वाच्य के प्रकार में बढ़ते हैं, वाच्य के प्रकार जो बनते हैं, यह वाच्य के तीन प्रकार बनते हैं। जैसे अब इस चीज को समझिए, वाच्य के प्रकार में पहला वाच्य का जो प्रकार बनता वह होता है कृतवाच्य, दूसरा होता है कर्मवाच्य, और तीसरा होता है भाववाच्य। कृतवाच्य, कर्मवाच्य, भाववाच्य, इन्हीं तीनों को आपको बहुत विद्वत समझना है, इसी से आपसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं। कैसे, कृतवाच्य क्या है इसको समझिए। जैसे प्रयोग में तो आपने समझ लिया, भाषा में कृतवाच्य ही प्रचलित होता है, हिंदी हमारी भाषा है, भाषा में जब बात करेंगे तो कृतवाच्य प्रयोग तो होगा। कृतवाच्य वह क्रिया है जिसका कर्ता ही उसके व्यापार का करने वाला होता है, ठीक है। कृतवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों प्रकार की क्रियाओं का होता है, याद रखिएगा, यह सवाल आया हुआ है। कृतवाच्य सकर्मक और अकर्मक दोनों ही क्रियाओं का होगा, इस बात को याद रखिएगा। इसके अलावा इसमें कर्ता के साथ जो प्रयुक्त होगा ने, को अथवा परसर्ग लगा देते हैं, ठीक है। अब ये परसर्ग की पहचान है, जब आपको मैं विराम चिन्ह आगे पढ़ाऊंगा तो वहां प्रयुक्त होगा, ठीक। उदाहरण के लिए समझिए, जैसे वह स्कूल जाते हैं, ठीक। अब यहां पर जैसे आया वह स्कूल जाते हैं, दूसरी चीज इसमें आप देखोगे तो आपको कर्ता की प्रधानता नजर आएगी, प्रमोद काम कर रहा है, ठीक, प्रमोद ही सब कुछ करने वाला है, रमेश ने रोटी खाई है। अब यहां पर तो आपको जैसा बोला गया कर्ता के साथ यह चिन्ह मिल गया ने, लेकिन अन्य में आपको क्या मिल रहा, अर्थ के अनुसार स्पष्ट मिल रहा है कि यहां किसका जो है मुख्य रूप से रोल है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, दूसरा कर्मवाच्य बनता है। कर्मवाच्य में क्रिया का करने वाला कर्म होता है, इस चीज को ध्यान रखिए। अगर कर्मवाच्य की बात होगी तो क्रिया को करने वाले में कर्म की भूमिका होगी, इससे पहले कर्ता की। सकर्मक क्रिया वाले जो वाक्य होंगे कर्मवाच्य में होते हैं, पॉइंट को नोट कर लीजिए। कर्मवाच्य में सकर्मक वाक्य, कृतवाच्य में दोनों थे। इसमें कर्म उद्देश्य होकर अप्रत्यक्ष कर्ता कारक के रूप में प्रयुक्त होता है, साथ ही वचन, पुरुष व लिंग कर्म के अनुसार ही होते हैं। कर्मवाच्य में कर्म की उपस्थिति अनिवार्य होती, क्रिया का करने वाला यानी कर्ता का प्रायः उल्लेख नहीं होता है, यानी कर्ता का उल्लेख आपको नहीं मिलेगा, जो कुछ मिलेगा वह कर्म के बारे में मिलेगा। यदि आवश्यक हो तो से या द्वारा परसर्ग के साथ प्रयुक्त होता है, क्या कर्म, सकर्म क्रिया के भूतकालिक कृदंत के आगे या, ठीक है, जा मतलब कर्मवाच्य का जो बोधन करे, ऐसे सहायक क्रिया का यहां प्रयोग अनिवार्य बना देते हैं, क्योंकि हमें कर्मवाच्य द्योतक पता चलना चाहिए। जैसे उदाहरण को देखिए आप समझ जाएंगे, चिट्ठी लिखी जाती है, पेड़ काटा जाता है, मुझसे यह काम ना होगा, ठीक। यहां पर जो बातें कही गई, जैसे चिट्ठी लिखी जाती है, चिट्ठी क्या है, कर्म है, लेकिन कर्म के अनुरूप क्या है, क्रिया है, यानी यहां लिखने वाला जो था उससे कोई मतलब नहीं, कर्ता के बारे में कोई उल्लेख नहीं, यहां कर्म की प्रधानता मिल गई। चिट्ठी लिखी जाती है, लिखने का काम चिट्ठी का ही, लेकिन जो लिख रहा उसकी प्रधानता यहां गायब है, यानी सब कुछ कर्म के अनुरूप है, इसलिए यह कर्मवाच्य का उदाहरण है। दूसरा लिखा है पेड़ काटा जाता है, काटने का काम कोई और कर रहा होगा, लेकिन यहां प्रधानता क्या है, पेड़ काटा जाता है। तीसरा लिखा मुझसे यह काम ना होगा, इस काम की प्रधानता है आपकी नहीं है,
मुझसे या काम नहीं होगा, वो काम महत्वपूर्ण हो गया और यहां करने और ना करने वाले की कोई भूमिका नहीं है। इसलिए यह सब कर्मण प्रयोग के अंतर्गत, मतलब कर्मर जो है कर्मवाची के अंतर्गत होंगे। तीसरा कहता है भाववाची। भाववाची में याद रखिए जो कर्तरीवाची आया उसमें दोनों के साथ क्रियाएं आई, जो कर्मवाची आया उसमें सकारात जो है सकर्मक क्रियाएं हैं उनके साथ प्रयोग आया, और तीसरा जो बनता भाववाची यह अकर्मक क्रियाओं के साथ ही संभव है। ठीक, दूसरे शब्दों में अकर्मक क्रिया के उस रूप को भाववाची कहते हैं जो कर्मवाची के सदृश ही होता है। कर्मवाची के सदृश एक जैसा मिलेगा, कैसे? यहां पर एक बात को ध्यान रखिएगा कि क्रिया इन वाक्यों में सदैव अन्य पुरुष में पुल्लिंग एक वचन में रहती है। जैसे मुझसे चला नहीं जाता, अब मुझसे बैठा नहीं जाता, कृष्णा से भागा नहीं जाता, मतलब यहां पर क्रिया जो आपको मिलेगी और जो अर्थ मिलेगा वह सब भाव के अनुरूप मिलेगा। मुझसे दौड़ा नहीं जाता, मुझसे हंसा नहीं जाता, मुझसे भागा नहीं जाता, मतलब यहां भाव का प्रकट जो है होना सामान्य सी बात है। और ऐसे जहां उदाहरण मिलेंगे वह भाववाच्य के अंतर्गत होंगे। तो ये तीन चीजें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अब हम बढ़ते हैं कि क्रिया का मूड क्या होता है। जैसे हमारा मूड होता है, ठीक है, जैसा मूड होता है वैसा हम काम करते हैं। किसी पर चिल्लाने का मूड है तो हम चिल्लाते हैं, पीटने का मूड है तो घर में एक आध छोटे भाई हैं तो उन पर हाथ साफ करते हैं, ठीक है। नहीं तो कुछ बच्चे बढ़िया स्टूडेंट होते हैं, जैसे जो सेंट बोरस इंजीनियरिंग कॉलेज हम लोगों का छोटे पर था, मतलब प्राइमरी, बहुत बड़ा मत समझ लेना, तो उसमें सेंट बोरस में पंडित जी क्या करते थे, पंडित जी घर में लड़ाई करके आते थे तो सबसे पहले बच्चे खड़ा कर देते थे, पहाड़ा सुनाओ, पहाड़ा खुद नहीं पढ़ाया लेकिन पहाड़ा पूछते थे, उसके बाद उससे जो है मतलब इमला सुनते थे, फिर जो है बारा खड़ी सुनते थे, जहां मौका मिल गया लड़का थोड़ा सा चूक गया पंडित जी कूट दिए। तो वो चीजें क्या है, मूड है। वही मूड यहां समझ लो क्या है। देखो भैया, वृत्ति वक्ता का वह मन स्थिति, मैंने बताया ना कि मन स्थिति, यहां जो बोलने वाला है उसकी मन स्थिति होनी चाहिए जो वाक्य में क्रिया रूपों द्वारा व्यक्त होती, क्रिया के रूप द्वारा जो व्यक्त हुआ कि जो बोलने वाला रहा वाक्य को, उसकी मन स्थिति क्या रही, वह पक्ष है, मूड है। कैसे समझो, जो कार्य या व्यापार लौकिक जगत में घटित ना हुई हो वरन जो वक्ता के मस्तिष्क में इच्छा संभावना अनुमान आदि के रूप में निहित हो उसका संबंध वृत्ति से होता है। ठीक है, लौकिक जगत में आपको देखने वाले इस संसार में उस घटना को नहीं देखा लेकिन उस वक्ता के दिमाग में, ठीक है, उस घटना का होना प्रादुर्भाव हुआ तो वो क्या होगा, वह आपका वृत्ति होगा। कैसे वर्गीकरण कर लो, वर्गीकरण से समझ पाओगे। अब अपने मूड में देखो, मूड तो कभी कभी हंसने का, कभी रोने का, कभी समझ नहीं पाते हो रोए या हंसे, कभी मन करता है कि एकदम बढ़िया ठंडे पानी में पड़े रहें, कभी मन करता है ये करें, कभी मन करता हो, तो मूड बहुत तरीके के हो, लेकिन यहां लिमिटेशन है मूड की। कैसे, एक चीज ध्यान रखिएगा कि वृत्त का वर्गीकरण विभिन्न जो विभिन्न वैयाकरण है इन्होंने भिन्न भिन्न रूप में किया। यहां पर क्रिया पदबंध के अंतर्गत मिलने वाले सभी वृत्तवाची तथ्यों के आधार पर वर्गीकरण किया गया, किसके, पदबंध के अनुरूप, क्रिया पदबंध, पदबंध आगे मैं पढ़ाऊंगा, इसके बाद का टॉपिक होगा। इसके अनुसार सात प्रकार के आपके मूड होते हैं, ठीक है, कैसे, एक आज्ञार्थक, संभावनार्थक, हेतु हेतु मदभाव, सामर्थ्य सूचक, बाध्यता सूचक, अनुज्ञात्मक और भविष्य। ये सात प्रकार के मूड क्रिया में लिए जाते हैं, ठीक है। अब एक एक को समझिए, इससे सवाल पूछा था, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं बार बार बोल रहा हूं, इनसे सवाल हमेशा पूछे जाते हैं, पूछे जाएंगे। ठीक, देखो हिंदी में क्या अनुमान होता है, 40 क्वेश्चन आएंगे एकदम दिमाग उमाग बना के एकदम फुट, अरे हिंदी तो हमें आती है। अब 40 क्वेश्चन का टारगेट अगर आप करके गए हो कि 40 की हिंदी अगर 40 क्वेश्चन आते हैं और 40 में हम 38 प्लस करके आएंगे घर से एकदम, ठीक है, पूरा मूड बना के पहुंचे हैं और ऐसे सवालों को आपने नहीं पढ़ा है तो वह 38 का आंकड़ा आपका चूंकि नेगेटिव मार्किंग होती है तो आप 30 पर आकर गिरते हैं धड़ाम से मुंह के बल, फिर आपको समझ में आता नहीं हिंदी व्याकरण कुछ है। तो इसीलिए मैं कहता हूं पढ़ लो। आज्ञार्थक क्या है,
अज्ञार्थक वाक्य में वृत्ति एक प्रत्यय या समाप्ति बोधक में है, ओ लगा होगा, लास्ट में ये होगा, ना होगा, ऐसे प्रत्यय लगते हैं जो है वाक्य के वृत्त में। कैसे प्रत्यय? अंत में ओ मिल जाएगा, ये मिलेगा, ना मिलेगा, ऐसे प्रत्यय मिलेंगे, यानी आज्ञार्थक के अंतर्गत आज्ञा, प्रार्थना, उपदेश आदि भाव निहित होते। जैसे यहां से जा बोला गया, यहां से जा, ये नहीं कहा गया तू यहां से जा, बोला गया यहां से जा। अब इसमें क्या चीजें आई? इसमें आज्ञार्थक चीजें आपको दिख रही है। दूसरा, आपने बोला घर पहुंचे, बैग ऐसे फेंका, पानी लाओ, ठीक है। अब वहां पर क्या है? अब आपने पानी लाओ किस उद्देश्य में पूछा? यहां तो हम वही कहेंगे आपने प्रार्थना किया, लेकिन आपका जो है गुरूर क्या होता है, क्योंकि घर में पहुंचने के बाद राजकुमार वाली फीलिंग आती है, ठीक है, कि घर के इकलौते राजकुमार। अगली चीज है इधर आइए। अब आपने बोला इधर आइए, अब आप किसी से विनती कर रहे, अनुनय विनय कर रहे, और अनुनय विनय से ही काम बन सकता है, ठीक है। अब आपसे बड़ा है, आप कहोगे अबे इधर आ, तो वही कूट देगा पकड़ के। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद कौन सा है? संभावनार्थक, ठीक है। संभावना सबसे पहले इसके साथ जुड़ रही है, संभावना यानी मूड कैसा होना चाहिए संभावना को लेकर के, यानी ऐसे वाक्य की वृत्ति। चलिए अब हम बात करते हैं वृत्ति में आपकी संभावनार्थक, यानी दूसरी जो है जहां पर संभावना से संबंधित चीजें आपको मिलती हैं, वहां पर वृत्ति कैसी होती है क्रिया की। इसमें हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो क्रिया होगी उसके अंत में एक ही मात्रा आपको स्पष्ट रूप से मिलेगी, ठीक है। यानी जहां जिस जो है पक्ष क्रिया के वृत्ति में आपको संभावना, इच्छा, अनुज्ञा आदि भाव का बोध होता है, इसको हमेशा दिमाग में विचार कीजिएगा कि वहां जो वृत्ति होगी वह वृत्ति संभावनार्थक होगी, यानी संभावना दर्शाई जाएगी। कैसे? पहला उदाहरण इसमें समझिए, उदाहरण समझते ही आपको चीजें और स्पष्ट होंगी। शायद उसे जाना पड़े, अंत में देखिए क्रिया में ए प्रत्यय लगा जो यहां बताया गया। दूसरी बात, अच्छा होगा यदि वह साथ चले, अब यहां पर भी ए प्रत्यय लगा, यानी जहां ए प्रत्यय लगा मिला, भले ही इसमें इच्छा बोधक है, इच्छा को दर्शा रहा, अंत में ए प्रत्यय लग रहा, वहां तुरंत आप सतर्क हो जाइएगा कि ये वृत्त के अंतर्गत संभावना को दर्शा रहा है। अब हम अगले विभेद की ओर पढ़ते हैं, हेतु हेतु मत भाव। आखिर ये कैसा विभेद है, क्या मानेंगे? इसमें ध्यान रखिएगा कि मस्तिष्क में स्थित शर्त, इच्छा आदि का भाव निहित जहां पर आपको मिलेगा, वहां समझ जाना कि इसमें वृत्ति का हेतु हेतु मदभाव छुपा हुआ है। इसमें वृत्ति में प्रत्यय जो लगा मिलेगा, वह ता लगा मिलेगा, या लगा मिलेगा, ती लगा मिलेगा, ऐसे प्रत्यय का इसमें बहुधा प्रयोग किया जाता है। कैसे? समझिए आगे उदाहरण क्या कह रहा। यदि वह कहता तो मैं अवश्य गया होता, यदि वह कहता, यानी जहां शर्त के अनुरूप आपको मिले वहां हेतु हेतु मदभाव होता है और यह पूछा भी गया है, ठीक है। जहां शर्त की बातें होंगी वहां आप ध्यान रखिएगा कि इसमें क्या होगा, इसमें हेतु हेतु मदभाव क्रिया का वृत्ति है, ठीक है। ऐसे दूसरा है, यदि वर्षा होती तो धान की खेती अच्छी होती, अब यहां पर भी अंत में ती है, इसमें पहला जो है मैं अवश्य गया होता, वहां पर भी अंत में ता लगा मिलना, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, काश मैं भी आपके साथ चलता, इसमें भी अंत में ता लगा मिल रहा, यानी यहां पर जो चीजें दिमाग में शर्त हैं या कुछ ऐसी बातें हैं वो कही गई, तो वह हमेशा वृत्ति के किसके, वृत्ति के हेतु हेतु मदभाव के अंतर्गत आएंगी। आगे बढ़ते हैं, अगला जो विभेद है यह कहलाता है सामर्थ्य सूचक। सामर्थ्य सूचक यानी क्रियाओं के अंतर्गत अगर अंत में सक लगा है, बन लगा है, पा लगा है, ले लगा है, ऐसी सहायक क्रियाओं का ही मुख्य रूप से अगर प्रयोग होता है तो वह सामर्थ्य सूचक क्रिया दर्शाई जाएगी, ठीक है। सकना किसी भी सकारात्मक, नकारात्मक अथवा प्रश्नवाचक वाक्यों में प्रयुक्त हो सकता, परंतु पाना एवं बनना पूर्ण सकारात्मक वाक्यों के साथ ही प्रयुक्त होते हैं। उदाहरण को समझें, जैसे वह चल सकता है, अब यहां सक आया अंत में, वह बोल नहीं सकता है, क्या वह खा नहीं सकता, मीना बोल लेती है। अब इनमें जो आप देखेंगे कि यहां सामर्थ्य को दर्शा रहे सारे के सारे, मैं वह चल सकता है सामर्थ्य तो हुआ, वह बोल नहीं सकता सामर्थ्य तो उसका है, ठीक।
क्या वह खा नहीं सकता? यहां पर पूछा गया, प्रश्नवाचक है लेकिन सामर्थ्य सूचक है, इस चीज को ध्यान रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, बाध्यता सूचक अर्थ क्या हुआ, यानी जहां आपको क्रिया में जो है वृत्त के अनुरूप कुछ बाध्यताएं आपको स्पष्ट रूप से पता चले। जैसे बाध्यता सूचक वाक्य का जो कर्ता होगा इस पर बाह्य परिस्थितियों का दबाव पड़ता है, ठीक है, जो बाहरी परिस्थितियां हैं उनका दबाव आपका इन पर पड़ेगा, इसीलिए आपको क्या होगा, इसीलिए हमेशा ध्यान रखिएगा कि उसे ना चाहते हुए भी ऐसा करना पड़ता है। इसमें विवशता परिलक्षित होती है, क्या दिखेगी आपको, विवशता झलकेगी, ठीक है, परंतु केवल ना पढ़ ना हो ते आदि जो है मतलब वृत्ति प्रत्ययों के लिए विवशता होती है, यानी ऐसे अगर आपको प्रत्यय अंत में मिल रहे, वृत्ति प्रत्यय मिल रहे, वहीं पर विवशता आपको झलकेगी, ठीक है। उदाहरण समझिए आप तो और ज्यादा चीजें बढ़ेंगी इसमें, जैसे सुरेश को रात में ही दिल्ली जाना पड़ा, विवशता झलकी, रात में ही दिल्ली जाना पड़ा, यहां पर आपको ये चीजें जो आई वह विवशता सूचक को दर्शा रही। अगली चीज है, जैसे एक तो यह विवशता जो है यह स्पष्ट रूप से झलक रही, भैया जाना पड़ा उसे, आपने देखा तब तो ऐसे जो है फुल कॉन्फिडेंस में बोला। दूसरा यहां पर क्या कह रहा, सुरेश को रात में दिल्ली जाना होगा, अब वहां पड़ा यहां होगा, दोनों में अंतर है, यहां अप्रत्यक्ष व्यवस्था आपके सामने है और पहले वाले वाक्य में प्रत्यक्ष मान सकते हो, व्यवस्था सामने है। आगे बढ़ते हैं, मुझे भी दिल्ली जाना है, मुझे भी दिल्ली जाना है, मतलब आपकी ऐसी व्यवस्था है कि आपको जाना पड़ेगा, ठीक। दूसरा है, सुरेश से इस समय दिल्ली जाते नहीं बनता, ठीक, यह भी व्यवस्था है। आगे बात करते हैं, अनुज्ञात्मक आपकी वृत्ति क्या होती है, अनुज्ञात्मक समझिए इसको, किसी कार्य व्यापार को संपादित करने की अनुमति, अनुनय आदि का भाव वक्ता के मस्तिष्क में निहित होता, ऐसे वाक्य अनुज्ञात्मक होते हैं, ठीक है, ऐसे वाक्य क्या होंगे, अनुज्ञात्मक होंगे। जैसे कुलपति महोदय अनुमति देना चाहें, ठीक, हम लिखते नहीं कुलपति महोदय अनुमति देना चाहें तो ऐसा हो सकता। अब यहां पर जो चीजें आ रही है, किसी कार्य व्यापार को संपादित करने की अनुमति, कोई कार्य हमारा हो जाए उसके लिए अगर अनुमति मिल रही तो वह क्रिया के पत्ते जो है वृत्त में किसके अंतर्गत होगा, अनुज्ञात्मक वृत्ति के अंतर्गत होगा, ठीक है। दूसरा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, अब यहां आप प्रार्थना के अंतर्गत है, ठीक है, अनुमति ले रहे हैं, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, आप किसी से अनुमति मांग रहे हो, ठीक है। अगली चीज है, उसे जाने दे, मतलब आप अनुनय विनय कर रहे हैं, उसे जाने दे, ठीक है। तो ये सारे जहां पर आपको भाव स्पष्ट मिलेंगे वहां समझ जाना ये सब अनुज्ञात्मक के अंतर्गत आएंगे, ठीक है, वृत्त में। आगे बढ़ते हैं, अगली वृत्ति है आपकी भविष्यति, भविष्यति वृत्ति में क्या मिलता है, कैसे पहचानते हैं इसको समझ लीजिए। इसमें अनिश्चित की स्थिति बनी रहेगी, इसमें प्रयुक्त जो वृत्ति प्रत्यय होगा जैसे एगा एगे एगी आदि जो है भविष्यवाची प्रत्यय इन सभी में लगते हैं, ठीक, इस बात को ध्यान रखिएगा। इसमें वृत्ति के साथ साथ काल तत्व का भी बोध होता है, जैसे रमेश घर आ जाएगा, अब काल भी पता चल रहा, वृत्ति भी पता चल रही, यानी आएगा आएगा ऐसे जहां पर होंगे वैसे ही प्रत्यय किसको दर्शा रहे, भविष्यत को। मैं सुबह आ जाऊंगा, शीला काम करने लगी, अब ये सब सारी चीजें क्या है, ये सब कुछ आपके भविष्यत को दर्शाती है। तो सात जो इसके आपके वृत्ति के प्रकार थे उनको हमने पढ़ लिया। अब हम बढ़ते हैं क्रिया के अगले विभेद की तरफ, और वो अब व्याकरणिक कोड से संबंधित विभेद क्या है, पक्ष यानी एस्पेक्ट जिनको बोलते हैं, क्रिया में पक्ष समझिए, ध्यान दीजिए, पक्ष एवं काल, भाषा में निहित कार्य व्यापार में काल बोध के दो आयाम हैं, ठीक। किसी भी भाषा में जो कार्य व्यापार है, ठीक, भाषा अगर कही गई उसमें वाक्य होगा, वाक्य में जो कार्य व्यापार हो रहा उसके जो आयाम होते हैं वह पहला होता है पक्ष और दूसरा होता है काल, ठीक है। पहला आयाम वह है जिससे पता चलता है कि समय के धरातल पर कार्य व्यापार कहां घटित हो रहा, इस स्तर पर काल भूत भविष्य और वर्तमान के रूप में अभिव्यक्ति होती है, ठीक है। अब कालबोध का दूसरा आयाम क्या होता है, वह होता जो कार्य व्यापार में आयुक्त काल की अवधि को निर्धारित एवं नियंत्रित करता, यह स्थित परक आवृत्ति मूलक सातत्य परक एवं पूर्णकालिक रूप में होता है, ध्यान दीजिए यहां पर जो कह रहा,
व्यापार में जो आयुक्तकाल की अवधि को निर्धारित करता, नियंत्रित करता, वह चीजें किसके अनुरूप मिलती? वह स्थित परक, आवृत्ति मूलक, ठीक जैसे नाम लिखे हैं उसी अनुरूप इनका अर्थ भी अभी आगे समझोगे, ठीक है। चलिए और चीजों को यहां पर देखिए, अगर आप इसको ढंग से बताना चाहें कि पक्ष में क्या चीजें अन्य शामिल होती हैं, निहित होती हैं, देखिए पक्ष को अप्रत्यक्ष रूप से काल में ही निहित अथवा समाहित माना जाता रहा है, ठीक है, इसको मानते हैं कि यह काल के ही अंतर्गत है। कामता प्रसाद गुरु ने पक्ष की सत्ता नहीं स्वीकारा है, इन्होंने पक्ष को माना ही नहीं कुछ व्याकरणिक कोटियों के अंतर्गत, बल्कि इसे काल के ही अंतर्गत माना। गुरु के अनुसार क्रिया के उस रूपांतर को काल कहते जिसमें क्रिया के व्यापार का समय तथा उसकी पूर्ण एवं अपूर्ण अवस्था का बोध होता। तो जहां पर वैसे अगर पक्ष की आप परिभाषा को जानना चाहोगे तो हमेशा ध्यान रखिएगा कि पक्ष में दो चीजों के आधार पर पक्ष को हम समझते हैं, ठीक है। पहला होता है कि जो क्रिया है, क्रिया हमारी पूर्ण हो गई, या दूसरा जो इसमें होता है क्रिया हमारी अपूर्ण रह गई, ठीक है। और काल में यही चीजें तो हम लेते हैं भैया, अगर काम चल रहा तो वर्तमान, काम हो चुका पूरा हो चुका तो भूत, और काम होगा तो भविष्य। इसीलिए काल में इन्होंने काल और पक्ष में कोई विभेद नहीं किया, पक्ष को काल के अंतर्गत माना, ठीक। तो पक्ष में हमेशा यह देखते हैं कि जो क्रिया संपन्न हो रही वह क्रिया पूर्ण है या क्रिया अपूर्ण है, ठीक। इन्हीं आधार पर पक्ष में विभेद होते, जैसे पहला जो इसमें होता है पक्ष के प्रकार में वह पूर्ण पक्ष होता है, दूसरा जो पक्ष बनता है वह अपूर्ण पक्ष होता है। अब पूर्ण पक्ष का अर्थ क्या है इसको समझ लीजिए, पूर्ण पक्ष से क्रिया की पूर्ण स्थिति का बोध होता, इसमें कार्य व्यापार को एक समग्र इकाई के रूप में देखा जा सकता, इसी कारण इसके भेद नहीं बनते हैं। पूर्ण पक्ष के भेद इसलिए नहीं बनेंगे क्योंकि कार्य व्यापार को एक समग्र इकाई, पूरी की पूरी एक इकाई मान लेते हैं, इसलिए इसमें भेद नहीं बनते हैं। आगे समझिए उदाहरण इनके, जैसे वह आया, अब पहला उदाहरण आपके सामने लिखा है वह आया, हम पूर्ण की बात कर रहे हैं, शब्द में व्यापार के पूर्णता बोध के साथ साथ यह भी बोध होता कि आना एक समग्र घटना के रूप में देखा गया, वह आया, ठीक, यानी आने का काम पूरा हो गया ना, वो घटना समग्र पूरी है, ठीक। दूसरी बात अपूर्ण पक्ष में, अपूर्ण पक्ष में कार्य व्यापार को एक प्रक्रिया के रूप में देखा जाता, जबकि पूर्ण पक्ष को एक घटना के रूप में, दोनों में यही मुख्य विभेद है, ठीक है। जो पूर्ण पक्ष होगा उसमें घटना हुई, वह गया वह आया, ठीक। यहां पर जो बातें आ रही हैं अपूर्ण पक्ष में, इसमें जो कार्य व्यापार होगा वह एक प्रक्रिया के रूप में होगा, ठीक। और जब यह प्रक्रिया के तौर पर होगा तो इसके विभेद बन जाते, कैसे, इसके जो अपूर्ण पक्ष हैं इनके उपभेद के अंतर्गत तीन भेद करते हैं, कैसे कैसे। एक होता है सातत्य परक, जिसके जिसमें आपको रह मिलेगा प्रत्यय के तौर पर, यानी सातत्य परक पक्ष से किसी कार्य व्यापार के अस्थिर होने का भाव निहित होता, ठीक। किसी कार्य व्यापार के अस्थिर होने का अगर जो है आपको भाव मिल रहा तो वह सातत्य परक के अंतर्गत है। कैसे, लड़का खेल रहा है, वह जा रहा है, अब काल में इसको वर्तमान में देख लेते थे लेकिन यहां पक्ष है तो यह सातत्य, यानी काम लगातार चल रहा है, निरंतरता बनी है, तो वह सातत्य बोधक के अंतर्गत होगा, ठीक। सातत्य परक या सातत्य बोधक, जो बोलना चाहे दोनों बोल सकते हैं। अब ऐसा ना कहना कि गुरुजी किताब में सातत्य बोधक लिखा था, भैया परक और बोधक एक ही अर्थ है, ठीक है, द्योतक भी लिख सकते हैं यहां। दूसरा इसमें क्या है, नित्यता बोधक, इसे आवृत्त मूलक पक्ष भी कहते हैं, कार्य व्यापार की आवृत्त का बोध हो जो नित्य होता, जैसे सूरज पूरब से निकलता है, मतलब हर दिन होना है, एकदम कंप्लीट है बातें, ठीक है। दूसरी बात सूरज पश्चिम में अस्त होता वह पढ़ता है, यह सवाल आया हुआ है, पूछा है इसके वाक्य को उदाहरण सहित, जानिएगा ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगली बात होती है तीसरी, यह होती है स्थितात्मक, स्थितात्मक अर्थ क्या है कि वह ऐसा बोला गया, देखिए जहां पर क्रिया रूप के द्वारा व्यक्त ना होकर संपूर्ण वाक्य गठन से कोई चीज व्यक्त हो वो स्थियात्मक के अंतर्गत आती है,
कैसे? आगे अब इनके अर्थ को समझिए। जैसे राम डॉक्टर है, पूरा का पूरा जब आप लाओगे तब आपको पूरा अर्थ कंप्लीट मिलेगा, ठीक। ऐसे अगला, सोहन अध्यापक है, वह पेड़ है, ठीक। ऐसे जो वाक्य होते हैं इनमें अस्तित्व या स्थिति का बोध होता है। अब वह पेड़ है, राम डॉक्टर है, अस्तित्व का पता चला उसके, ठीक है। मोहन जो है एक मरीज है, वो भी स्थिति है, समझ गए ना। आगे बढ़ते हैं, इसमें पक्ष को मूल पक्ष, ये जो पक्ष है ये मूल पक्ष कहलाता है, ठीक। क्योंकि ये ऐसे क्रिया रूपों से व्यक्त होते जो क्रिया के साथ संयुक्त होकर पक्ष की अभिव्यक्ति करते हैं, ठीक। क्रिया के साथ मिलकर, राम डॉक्टर है, समझिए इस बात को, ठीक। आगे बढ़ते हैं, इसके अलावा कुछ इनके सहायक पक्ष भी हैं जो मूलभूत पक्ष चिन्हकों के पूर्व लगते। कैसे? जैसे सहायक पक्षों में देखिए, सहायक पक्ष हमेशा मूल पक्ष प्रत्ययों से पूर्व ही प्रयुक्त होते हैं। इनका वर्गीकरण निम्न रूप से है, यहां से सवाल पूछा है, ठीक है, यहां से सवाल पूछा है, इसको समझिए। पहला है आपका अभ्यास द्योतक। अभ्यास द्योतक में ता के साथ राह जोड़ जाता, जैसे वह सोता रहता है, या के साथ राह मिल गया तब भी समझ लेना अभ्यास द्योतक है, वह सोया रहता है। अगर या के साथ कर मिल गया, वह सोया करता है, ये तीनों बातें आपकी अभ्यास द्योतक है, ठीक है। वह पढ़ा करता है, लिखा करता है, ये चीजें ध्यान रखिएगा, ठीक। यानी कर आ गया तो वह क्या होगा, वह अभ्यास द्योतक के अंतर्गत होगा। अगली बात है वर्धमान द्योतक। ता के साथ अगर चल मिल गई क्रिया, जैसे वह लिखता चलेगा, ता के साथ जा मिल गई, वह लिखता जाएगा, ता के साथ आ मिल गया और उसके साथ रहा, वह लिखता चला आ रहा है, ठीक। तो ये सारी चीजें जहां पर आपको मिलने लगे वहां आप समझ जाइएगा हमेशा कि इसमें क्या है, इसमें आपकी वर्धमान द्योतक के साथ जो है सारी बातें की जा रही है। आगे बढ़ते हैं इसमें, इसके बाद अगला जो इसमें तीसरा विभेद बनता है वह समाप्ति बोधक का बनता है। तीसरा विभेद जो बनता है वह समाप्ति बोधक का बनता है, ध्यान रखिएगा। कैसे? समाप्ति बोधक में जहां पर एक तो यह चिन्ह होता है समाप्ति का आपका, ठीक है, यह चिन्ह किसका है, यह समाप्ति का चिन्ह है, ठीक। जैसे इसमें इस समाप्ति बोधक के साथ चुक आपका जो है प्रयुक्त होगा, ठीक। क्रिया में भी आप समझ सकते हैं ऐसा, जैसे समझिए इसको, वह खा चुका है, मतलब कंप्लीट हो गया, वह खा चुका है, वह पी चुका है, और समाप्ति बोधक के साथ रख आएगा, उसने खा रखा है, उसने पी रखा है, मतलब यहां समाप्ति आपको स्पष्ट रूप से झलकेगा भी। आगे बढ़ते हैं अगला, ये आरंभ द्योतक है, ठीक। ने के साथ अगर लग आपका लिखा मिला है तो वहां समझ जाना कि वो किसका विभेद है, वह आरंभ द्योतक के अंतर्गत आएगा। जैसे वह जाने लगा, ठीक। अब इसके बाद जो पांचवा विभेद बनता है वह आरंभ पूर्व द्योतक होता है इसमें, ठीक। जैसे ने के साथ वाला आया, वह जाने वाला है, आरंभ, वह जाने वाला है, खाने वाला है, पीने वाला है, ठीक। ने के साथ को लगा मिल गया, वह जाने को है, मेरे को जाने को है, बोलते नहीं। ने के साथ जा है और उसके साथ रहा लगा, वह सोने जा रहा, आरंभ करने जा रहा ना, मतलब जो जहां से जैसा अर्थ मिलेगा उसी अनुरूप होगी। तो बहुत सारी चीजें इसमें प्रयास नहीं करना है, हर एक चीजें बहुत आसान है। उम्मीद है इतनी चीजें देखने के बाद आपको सारे जो भी बिंदु हैं इसके सब कुछ स्पष्ट हो गए होंगे। इसके बाद अब हम हिंदी व्याकरण में आगे जब आपसे मिलेंगे तो नई चीजों को शुरुआत करेंगे, ठीक है। हमने पूरी चीजों को शब्द से संबंधित सारी सब कुछ पढ़ लिया, पूरी चीजें मैंने आपको शब्द से संबंधित पढ़ा दी हैं, उससे पहले वर्ण से संबंधित सब कुछ पढ़ाया, ठीक है, समास भी मैंने पढ़ा दिया। अब मैं शब्द में आगे इसके बाद जो बढ़ूंगा पद की ओर बढ़ूंगा, शब्द के बाद अब हम पद पदबंध को पढ़ेंगे, पदबंध के भेद पढ़ेंगे, पदबंध के भेद के बाद फिर हम वाक्य में जाएंगे, वाक्य के प्रकार को पढ़ेंगे, ठीक। उसके बाद और कुछ बिंदुओं पर बात करेंगे, तब जाके हिंदी व्याकरण आपका समाप्त होगा। यानी अगर आप शुरुआत से पहले से लेकर के आज 25वां लेक्चर है हिंदी में, पूरी चीजें आप देख ले तो इससे बाहर हिंदी व्याकरण कहीं भी नहीं है, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने नहीं देखे हैं और जो भी लेक्चर पसंद आ जा करें उसको व्हाट्सएप, फेसबुक हर जगह शेयर कर दिया करें और ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों को परिवार में जोड़ते रहें, अच्छा अच्छा कमेंट दे जाइएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।